Animal Farm by George Orwell. Chapter 8. कुछ दिनों बाद जब फांसी की वजह से आतंक कम हो गया था, कुछ जानवरों को याद आया, या उन्हें लगा कि उन्हें याद है कि छठी आज्ञा ने फैसला किया कोई जानवर किसी अन्य जानवर को नहीं मारेगा। और हालांकि किसी ने भी सुअरों या कुत्तों की सुनवाई में इसका उल्लेख करने की परवाह नहीं की, यह महसूस किया गया कि जो हत्याएं हुई थीं, वह इससे चौकोर नहीं थी। क्लोवर ने बेंजामिन से उसे छठी आज्ञा पढ़ने के लिए कहा, और जब बेंजामिन ने हमेशा की तरह कहा कि उसने ऐसे मामलों में मध्यस्थता करने से इनकार कर दिया, तो उसने मुरील को ले लिया। मुरील ने उसके लिए आज्ञा पढ़ी, यह भाग गया। कोई भी जानवर बिना किसी अन्य जानवर को नहीं मारेगा। किसी तरह या दूसरे पिछले दो शब्द जानवरों की याददाश्त से फिसल गए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि आज्ञा का उल्लंघन नहीं हुआ था। स्पष्ट रूप से उन गद्दारों को मारने का अच्छा कारण था जिन्होंने स्नोबॉल के साथ खुद को छेड़ा था। पूरे वर्ष जानवरों ने उससे भी अधिक मेहनत की जितनी उन्होंने पिछले वर्ष में की थी। विंडमिल के पुनर्निर्माण के लिए दीवारों को पहले की तुलना में दो गुना मोटी और नियत तिथि तक समाप्त करने के लिए खेत के नियमित काम के साथ एक जबरदस्त श्रम था। ऐसे समय थे जब जानवरों को लग रहा था कि उन्होंने घंटों काम किया है और जोन्स के दिन में किए गए कामों से बेहतर नहीं है। रविवार की सुबह स्क्वीलर अपने ट्रॉटर के साथ कागज की एक लंबी पट्टी को पकड़े हुए उन्हें आंकड़ों की सूचियों को पढ़ते हुए यह साबित करेगा कि खाद्य पदार्थों के हर वर्ग का उत्पादन 200%, 300% या 500% बढ़ा था। प्रतिशत जैसा भी मामला हो, जानवरों ने उसे अविश्वास करने का कोई कारण नहीं देखा, खासकर जब वे अब बहुत स्पष्ट रूप से याद नहीं कर सकते थे कि विद्रोह से पहले क्या स्थितियां थीं। सभी समान ऐसे दिन थे जब उन्हें लगा कि वे जल्द ही कम आंकड़े और अधिक भोजन करेंगे। सभी आदेश अब स्क्वीलर या अन्य सुअरों में से एक के माध्यम से जारी किए गए थे। खुद नेपोलियन को एक पखवाड़े में एक बार सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया था। जब वह दिखाई दिया तो वह न केवल अपने कुत्तों के रेटन द्वारा बल्कि एक काले कॉकरेल द्वारा भाग लिया गया जिसने उसके सामने मार्च किया और एक तरह के ट्रम्पेटर के रूप में काम किया जिससे नेपोलियन के बोलने से पहले एक जोर से कॉके डूडल डू किया डंडा। यहाँ तक कि फार्म हाउस में यह कहा गया था, नेपोलियन ने दूसरों से अलग अपार्टमेंट का निवास किया। उसने अकेले भोजन करने के लिए अपने दो कुत्तों को साथ ले लिया और हमेशा क्राउन डाबी रात के खाने की सेवा से खाया जो ड्राइंग रूम में कांच की अलमारी में था। यह भी घोषणा की गई थी कि नेपोलियन के जन्मदिन पर हर साल बंदूक चलाई जाएगी, साथ ही अन्य दो वर्षगांठ पर भी। नेपोलियन को अब केवल नेपोलियन के रूप में नहीं कहा जाता था, उन्हें हमेशा हमारे नेता कॉमरेड नेपोलियन के रूप में औपचारिक शैली में संदर्भित किया गया था, और सुअर ने उनके लिए इस तरह के खिताब के लिए आविष्कार करना पसंद किया जैसे कि सभी जानवरों के पिता, मैनकाइंड के आतंक, भेड़पाल के रक्षक, डकलिंग्स फ्रेंड और पसंद। अपने भाषणों में स्क्वीलर नेपोलियन के ज्ञान के अपने गाल को चीरते हुए आंसू बहाता हुआ बोला, उसके दिल की भलाई और गहरे प्रेम वह सभी जानवरों को सभी जगह परेशान करता है, यहाँ तक कि और विशेष रूप से दुखी जानवर जो अभी भी अन्य खेतों पर अज्ञान और दास्ता में रहते थे। नेपोलियन को हर सफल उपलब्धि और सौभाग्य के हर झटके का श्रेय देना सामान्य हो गया था। आपने अक्सर एक मुर्गी की टिप्पणी दूसरे से सुनी होगी, हमारे नेता कॉमरेड नेपोलियन के मार्गदर्शन में मैंने 6 दिनों में 5 अंडे दिए हैं, या 2 गाय पूल में एक ड्रिंक का आनंद ले रहे हैं का दावा है। कॉमरेड नेपोलियन के नेतृत्व के लिए धन्यवाद, यह पानी कैसे उत्कृष्ट है। कॉमरेड नेपोलियन नामक कविता में खेत पर सामान्य भावना व्यक्त की गई थी जिसे मिनिमस द्वारा रचा गया था और जिसे इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया था, फ्रेंड ऑफ फादरलेस, फाउंटेन ऑफ हैप्पीनेस, लॉर्ड ऑफ द स्विल बकेट, ओ हाउ माय सोल इज ऑन फायर व्हेन आई गेज एट थाय काम एंड कमांडिंग आई लाइक द सन इन द स्काई। कॉमरेड नेपोलियन, थाउ आर द गिवर ऑफ ऑल दैट थाय क्रीचर्स लव, फुल बेली ट्वाइस अ डे, क्लीन स्ट्रॉ टू रोल अपॉन, एवरी बीस्ट ग्रेट और स्मॉल।
sleeps at peace in his stall. Thou watchest over all. Comrade Napoleon, had I a sucking pig, ere he had grown as big, even as a pint bottle or as a rolling pin, he should have learned to be faithful and true to thee. Yes, his first squeak should be, Comrade Napoleon. Napoleon ने इस कविता को मंजूरी दे दी और इसका कारण यह था कि सात खंडों के विपरीत छोर पर बड़े खलिहान की दीवार पर अंकित किया गया था। यह प्रोफाइल में नेपोलियन के चित्र द्वारा चित्रित किया गया था, जिसे स्क्वीलर द्वारा सफेद पेंट में निष्पादित किया गया था। इस बीच वहम पर की एजेंसी के माध्यम से नेपोलियन फ्रेडरिक और पिलकिंगटन के साथ जटिल बातचीत में लगे हुए थे। लकड़ियों का ढेर अभी भी अनसुना था। दो में से फ्रेडरिक इसे पकड़ने के लिए अधिक उत्सुक था, लेकिन वह उचित मूल्य की पेशकश नहीं करेगा। उसी समय नए सिरे से अफवाहें उड़ी कि फ्रेडरिक और उनके लोग एनिमल फार्म पर हमला करने और पवन चक्की को नष्ट करने की साजिश रच रहे थे, जिसके निर्माण से उनमें उग्र ईर्ष्या पैदा हो गई थी। स्नोबॉल को पिंचफील्ड फार्म पर अभी भी झालर के रूप में जाना जाता था। गर्मियों के मध्य में जानवरों को यह सुनकर घबराहट हुई कि तीन मुर्गियां आगे आ गईं और उन्होंने कबूला कि स्नोबॉल से प्रेरित होकर नेपोलियन की हत्या करने की साजिश में प्रवेश किया था। उन्हें तुरंत निष्पादित किया गया था और नेपोलियन की सुरक्षा के लिए नई सावधानी बरती गई थी। चार कुत्तों ने रात में अपने बिस्तर पर पहरा दिया, प्रत्येक कोने में एक, और पिंकी नाम के एक युवा सुअर को खाना खाने से पहले उसे चखने का काम दिया गया, ऐसा न हो कि उसे जहर दे दिया जाए। लगभग उसी समय यह दिया गया कि नेपोलियन ने लकड़ी का ढेर श्री पिलकिंगटन को बेचने की व्यवस्था की थी। वह पशु फार्म और फॉक्सवुड के बीच कुछ उत्पादों के आदान प्रदान के लिए एक नियमित समझौते में शामिल होने जा रहा था। नेपोलियन और पिलकिंगटन के बीच संबंध, हालांकि वे केवल हिम्पर के माध्यम से संचालित किए गए थे, अब लगभग मैत्रीपूर्ण थे। जानवरों ने पिलकिंगटन को एक इंसान के रूप में अविश्वास किया, लेकिन फ्रेडरिक को बहुत पसंद किया, जिनसे वे डरते थे और नफरत करते थे, जैसा कि गर्मियों में पहना गया था। और पवन चक्की लगभग पूरी हो गई, आसन विश्वासघाती हमले की अफवाहें तेज और मजबूत हो गईं। फ्रेडरिक, यह कहा गया था कि उनके खिलाफ 20 आदमी बंदूकों से लैस थे और उन्होंने पहले ही मजिस्ट्रेट और पुलिस को रिश्वत दे दी थी, ताकि अगर वह एक बार पशु फार्म के शीर्षक कर्मों को पकड़ सके तो वे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। इसके अलावा भयानक कहानियों के बारे में पिंचफील्ड से भयानक कहानियां लीक हो रही थीं, जो फ्रेडरिक ने अपने जानवरों पर अभ्यास किया था। उसने एक बूढ़े घोड़े को मौत के घाट उतार दिया था, उसने अपनी गायों को भूखा मार दिया था, उसने एक कुत्ते को मारकर उसे भट्टी में फेंक दिया था, उसने शाम को अपने स्पर्स से बंधे रेजर ब्लेड के छींटों से लंड बनाकर खुद को खुश कर लिया। जानवरों के खून को गुस्से से उबाला गया जब उन्होंने अपने साथियों के साथ इन चीजों को सुना, और कभी कभी वे शरीर में बाहर जाने और पिंचफील्ड फार्म पर हमला करने की अनुमति देते थे, मनुष्यों को बाहर निकालते थे और जानवरों को मुक्त करते थे, लेकिन स्क्वीलर ने उन्हें कठोर कार्रवाई से बचने और कॉमरेड नेपोलियन की रणनीति में विश्वास करने के लिए परामर्श दिया। फिर भी फ्रेडरिक के खिलाफ भावना उच्च चलती रही। एक रविवार की सुबह नेपोलियन ने खलिहान में दिखाई दिया और बताया कि उसने कभी भी फ्रेडरिक को लकड़ियों के ढेर को बेचने पर विचार नहीं किया था। उन्होंने कहा कि यह उनकी गरिमा के नीचे माना जाता है। उन्होंने कहा कि उस विवरण के बदमाशों के साथ व्यवहार करने के लिए, जिन कबूतरों को अभी भी विद्रोह की खबरें फैलाने के लिए भेजा गया था, उन्हें फॉक्सवुड पर कहीं भी पैर रखने से मना किया गया था, और डेथ टू ह्यूमैनिटी के अपने पूर्व नारे को डेथ टू फ्रेडरिक के पक्ष में छोड़ने का भी आदेश दिया गया था। देर से गर्मियों में अभी तक स्नोबॉल की एक और मशीन नंगे रखी गई थी। गेहूं की फसल खरपतवारों से भरी हुई थी, और यह पता चला कि उनके एक रात के दौरे में स्नोबॉल ने बीज मकई के साथ खरपतवार के बीज मिलाए थे। साजिश रचने वाले एक बदमाश ने स्क्वीलर को अपना अपराध कबूल करवाया और तुरंत घातक नाइटशेड जामुन निगलकर आत्महत्या कर ली। जानवरों को अब यह भी पता चला कि स्नोबॉल कभी भी नहीं था। उनमें से कई ने विश्वास किया था कि पशु नायक
प्रथम श्रेणी का आदेश मिला है। यह केवल एक किंवदंती थी जो स्नोबॉल द्वारा स्वयं गौशाला की लड़ाई के कुछ समय बाद फैलाई गई थी। अब तक सजाए जाने से वह लड़ाई में कायरता दिखाने के लिए ठीक हो गया था। एक बार फिर कुछ जानवरों ने यह सुनकर कुछ आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन स्क्वीलर जल्द ही उन्हें समझाने में सक्षम हो गया कि उनकी यादें गलती पर हैं। शरद ऋतु में एक जबरदस्त थकाऊ प्रयास के लिए फसल के लिए लगभग एक ही समय में इकट्ठा होना था। डैश पवन चक्की समाप्त हो गई थी, मशीनरी को अभी भी स्थापित किया जाना था और हिम पर इसे खरीदने के लिए बातचीत कर रहे थे, लेकिन संरचना पूरी हो गई थी। हर कठिनाई के दांतों में अनुभवहीनता के बावजूद आदिम औजारों का, बदकिस्मती का और स्नोबॉल के छल का काम समय से पहले ही पूरा हो गया था। बाहर थक गए लेकिन गर्व से जानवरों ने गोल गोल घूमकर अपनी कृति बनाई, जो उनकी आंखों में तब और भी सुंदर दिखाई दी जब वह पहली बार बनी थी। इसके अलावा दीवारें पहले की तुलना में दोगुनी मोटी थीं। इस समय उन्हें विस्फोटकों की कमी नहीं होगी, और जब उन्होंने सोचा कि उन्होंने कैसे काम किया है तो वे कौन से हत उत्साहित थे, और उनके जीवन में जो भारी अंतर आया था जब पाल बदल रहे थे और डायनमो चल रहे थे। डैश जब उन्होंने यह सब सोचा तो उनकी थकान ने उन्हें परेशान कर दिया और वे गोल गोल घूमते हैं और पवन चक्की को गोल गोल घुमाते हुए विजय प्राप्त करते हैं। नेपोलियन खुद अपने कुत्तों और उसके कॉकरेल द्वारा भाग लिया, पूर्ण कार्य का निरीक्षण करने के लिए नीचे आया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपनी उपलब्धि पर जानवरों को बधाई दी और घोषणा की कि मिल का नाम नेपोलियन मिल होगा। दो दिन बाद जानवरों को खलिहान में एक विशेष बैठक के लिए बुलाया गया। जब वे नेपोलियन ने घोषणा की कि उन्होंने लकड़ी के ढेर को फ्रेडरिक को बेच दिया है तो वे आश्चर्यचकित रह गए। कल फ्रेडरिक के वैगन आ जाएंगे और उसे दूर करना शुरू कर देंगे। पिलकिंगटन के साथ अपनी प्रचलित मित्रता के पूरे काल के दौरान नेपोलियन वास्तव में फ्रेडरिक के साथ गुप्त समझौते में था। ऑक्सवुड के साथ सभी संबंध टूट गए थे। अपमानजनक संदेश पिलकिंगटन को भेजे गए थे। कबूतरों को पिंचफील्ड फार्म से बचने और उनके नारे को डेथ टू फ्रेडरिक से बदलकर डेथ टू पिलकिंगटन करने के लिए कहा गया था। उसी समय नेपोलियन ने जानवरों को आश्वासन दिया कि पशु फार्म पर आसन्न हमले की कहानियां पूरी तरह से असत्य थीं, और यह कि फ्रेडरिक की अपने जानवरों के प्रति क्रूरता के बारे में किससे बहुत अतिरंजित थे। ये सभी अफवाहें शायद स्नोबॉल और उसके एजेंटों के साथ उत्पन्न हुई थीं। अब यह दिखाई दिया कि स्नोबॉल आखिरकार पिंचफील्ड फार्म पर नहीं छिपा था और वास्तव में उसके जीवन में कभी नहीं था, वह जी रहा था काफी लग्जरी में, इसलिए यह कहा गया था डैशप ऑक्सफोर्ड में, और वास्तव में था पिछले वर्षों के लिए पिलकिंगटन के एक पेंशनर। सुअर नेपोलियन की धूर्तता के कारण परमानंद में थे। पिलकिंगटन के साथ मित्रवत प्रतीत होने से उन्होंने फ्रेडरिक को अपनी कीमत 12 पाउंड बढ़ाने के लिए मजबूर किया था, लेकिन नेपोलियन के दिमाग की बेहतर गुणवत्ता, स्क्वीलर ने कहा, इस तथ्य में दिखाया गया था कि वह किसी पर भरोसा नहीं करता था, यहाँ तक कि फ्रेडरिक भी नहीं। फ्रेडरिक ने लकड़ी के लिए एक चेक नामक चीज के साथ भुगतान करना चाहा था, जो कि ऐसा लगता था कि उस पर लिखित भुगतान का वादा करने के साथ कागज का एक टुकड़ा था, लेकिन नेपोलियन उसके लिए बहुत चालाक था। उन्होंने असली 5 पाउंड के नोटों में भुगतान की मांग की थी, जिन्हें लकड़ी हटाने से पहले सौंप दिया जाना था। पहले से ही फ्रेडरिक ने भुगतान किया था और उन्होंने जो राशि अदा की थी वह पवन चक्की के लिए मशीनरी खरीदने के लिए पर्याप्त थी। इस बीच लकड़ियों को तेज गति से खदेड़ा जा रहा था। जब यह सब चला गया था तो एक और विशेष बैठक खलिहान में जानवरों के लिए फ्रेडरिक के बैंक नोट्स का निरीक्षण करने के लिए आयोजित की गई थी। शांति से मुस्कुराते हुए और अपनी दोनों सजावटों को पहने हुए नेपोलियन ने मंच पर पुआल के एक बिस्तर पर दोहरा दिया अपनी तरफ से पैसे के साथ फार्म हाउस रसोई से चीन के पकवान पर बड़े करीने से ढेर किया। जानवरों ने धीरे धीरे अतीत को दर्ज किया और प्रत्येक ने उसकी भरपाई की, और बॉक्सर ने बैंक नोटों पर सूंघने के लिए अपनी नाक लगाई और भड़कीली सफेद चीजों ने उसकी सांस में हलचल और सरसराहट कर दी। 3 दिन बाद एक भयंकर हुलबाल हुआ। वहीं पर
उसका चेहरा घातक पीला, अपनी साइकिल पर पथ को दौड़ते हुए आया, उसे यार्ड में उड़ा दिया और सीधे फार्म हाउस में चला गया। अगले ही पल नेपोलियन के अपार्टमेंट से गुस्से का एक गर्जन गूंज उठा। जो कुछ हुआ उसकी खबर जंगल की आग की तरह खेत में फैल गई। बैंकर नोटियां थीं जबरन। फ्रेडरिक को कुछ नहीं के लिए लकड़ी मिल गई थी। नेपोलियन ने जानवरों को तुरंत बुलाया और एक भयानक आवाज में फ्रेडरिक पर मौत की सजा सुनाई। पकड़े जाने पर उन्होंने कहा, फ्रेडरिक को जीवित उबला जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने उन्हें चेतावनी दी कि इस विश्वासघाती काम के बाद सबसे बुरा होने की उम्मीद थी। फ्रेडरिक और उसके लोग किसी भी क्षण अपने लंबे समय से अपेक्षित हमले कर सकते हैं। प्रहरी को खेत के सभी रास्तों पर रखा गया था। इसके अलावा चार कबूतरों को फॉक्सवुड को एक सुलह संदेश के साथ भेजा गया था, जिसे यह उम्मीद थी कि पिलकिंगटन के साथ अच्छे संबंध फिर से स्थापित हो सकते हैं। अगली सुबह हमला हुआ, जब वे फ्रेडरिक और उनके अनुयायियों को पांच बार वाले गेट के माध्यम से पहले ही देख चुके थे। तब लुकआउट रेसिंग में जानवरों ने नाश्ता किया था। साहसपूर्वक पर्याप्त जानवरों ने उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन इस बार उनके पास वह आसान जीत नहीं थी जो उन्हें गौशाला की लड़ाई में मिली थी। 15 आदमी थे, उनके बीच में आधा दर्जन बंदूकें थीं और उन्होंने 50 गज के भीतर पहुंचते ही गोलियां चला दी। जानवर भयानक विस्फोटों और चुभने वाले छर्रों का सामना नहीं कर सकते थे और उन्हें रैली करने के लिए नेपोलियन और बॉक्सर के प्रयासों के बावजूद उन्हें जल्द ही वापस चला दिया गया था। उनमें से कई पहले से ही घायल थे। उन्होंने खेत की इमारतों में शरण ली और चिंगारी और गांठ के छेद से सावधानी से बाहर झांका। पवन चक्की सहित पूरा बड़ा चारागाह दुश्मन के हाथों में था। पल के लिए भी नेपोलियन एक नुकसान में लग रहा था। वह एक शब्द, उसकी पूंछ कठोर और चिकोटी के बिना ऊपर नीचे हो गया। ऑक्सफोर्ड के निर्देशन में विशाल झलकियां भेजी गईं। अगर पिलकिंगटन और उनके लोग उनकी मदद करेंगे तो दिन अभी भी जीता जा सकता है, लेकिन इस समय चार कबूतर, जिन्हें पहले ही दिन बाहर भेज दिया गया था, वापस लौट आए। उनमें से एक पिलकिंगटन से कागज का एक स्क्रैप ले रहा था। इस पर शब्दों को कलमबद्ध किया गया था, आपकी सेवा करता है। इस बीच फ्रेडरिक और उनके लोग पवन चक्की के बारे में रुक गए थे। जानवरों ने उन्हें देखा और घृणा का एक दौर चला गया। दो लोगों ने एक मुकुट और एक स्लेज हथौड़ा का उत्पादन किया था। वे पवन चक्की को ठोकने वाले थे। असंभव, नेपोलियन रोया, हमने इसके लिए बहुत दूर तक दीवारों का निर्माण किया है। वे इसे एक सप्ताह में खटखटा नहीं सकते। साहस कामरेड। लेकिन बेंजामिन आदमियों की हरकतों को गौर से देख रहा था। हथौड़ा और मुकुट के साथ दो पवन चक्की के आधार के पास एक छेद ड्रिलिंग कर रहे थे। धीरे धीरे और लगभग एक हवा के साथ बेंजामिन ने अपने लंबे थूथन को सिर हिलाया। मैंने ऐसा सोचा, उन्होंने कहा, क्या आप नहीं देख रहे हैं कि वे क्या कर रहे हैं? एक अन्य क्षण में वे उस छेद में ब्लास्टिंग पाउडर को पैक करने जा रहे हैं। आतंकित जानवर इंतजार कर रहे थे। अब इमारतों की शरण से बाहर निकलना असंभव था। कुछ मिनटों के बाद पुरुषों को सभी दिशाओं में भागते देखा गया। तब एक बहरा गर्जना होती थी। कबूतर हवा में तैर गए और नेपोलियन को छोड़कर सभी जानवर अपनी अपनी चोंच समेटकर अपने चेहरे पर छिप गए। जब वे फिर से उठे तो काले धुएं का एक विशाल बादल लटक रहा था जहां पवन चक्की थी। धीरे धीरे हवा ने उसे बहा दिया। पवन चक्की का अस्तित्व समाप्त हो गया था। इस दृष्टि से जानवरों का साहस उनके पास लौट आया। एक पल पहले जो भय और निराशा उन्हें महसूस हुई थी, वे इस विभत्स घृणित कृत्य के खिलाफ उनके गुस्से में डूब गए थे। प्रतिशोध के लिए एक शक्तिशाली रोना उठ गया और आगे के आदेशों की प्रतीक्षा किए बिना उन्होंने एक शरीर में आरोप लगाया और सीधे दुश्मन के लिए बनाया। इस बार उन्होंने ओलों की तरह बह रहे क्रूर छर्रों को नहीं देखा। यह एक बर्बर कड़वी लड़ाई थी। पुरुषों ने बार बार गोलीबारी की और जब जानवरों को पास के क्वार्टर में मिला तो उनके डंडे और उनके भारी बूटों के साथ बाहर लपके एक गाय, तीन भेड़ें और दो लोग मारे गए और लगभग सभी घायल हो गए। यहां तक कि नेपोलियन, जो पीछे से संचालन कर रहा था,
के पास उसकी पूंछ का सिरा गोली से छलनी था, लेकिन मर्द भी इससे बेपरवाह नहीं हुए। बॉक्सर के खुरों से वार करके उनमें से तीन का सिर फट गया, एक गाय के सींग से पेट में एक और छेद किया गया था, एक और उसकी पतलून लगभग जेसी और ब्लूबेल ने फाड़ दी, और जब नेपोलियन के खुद के अंगरक्षक के 9 कुत्तों जिन्हें उसने हेज के कवर के नीचे एक चक्कर लगाने के निर्देश दिए थे, अचानक पुरुषों के फ्लैंक पर दिखाई दिए जो कि क्रूरता से बैन कर रहे थे, आतंक ने उन्हें पछाड़ दिया। उन्होंने देखा कि उन्हें घेरने का खतरा था। फ्रेडरिक चिल्लाते हुए बाहर जाने के लिए अपने आदमियों के पास गया और अगले ही पल कायर दुश्मन प्रिय जीवन के लिए भाग रहा था। जानवरों ने उन्हें मैदान के नीचे तक पीछा किया और कांटे की छाह के माध्यम से अपना रास्ता निकालने के लिए उन पर कुछ आखिरी लातें मारीं। वे जीत गए थे, लेकिन वे थके हुए थे और खून बह रहा था। धीरे धीरे वे वापस खेत की ओर जाने लगे। उनके मृत साथियों की दृष्टि घास पर फैली हुई थी और उनमें से कुछ आंसू में बह गए, और थोड़ी देर के लिए वे उस जगह पर दू खद सन्नाटे में रुक गए जहाँ पवन चक्की एक बार खड़ी थी। हाँ, चला गया था, उनके श्रम का लगभग अंतिम निशान चला गया था, यहाँ तक कि नींद को आंशिक रूप से नष्ट कर दिया गया था, और इसके पुनर्निर्माण में वे इस बार नहीं पहले की तरह गिरे हुए पत्थरों का उपयोग कर सकते हैं। इस बार पत्थर भी गायब हो गए थे, विस्फोट के बल ने उन्हें सैकड़ों गज की दूरी तक उड़ा दिया था। यह ऐसा था मानो पवन चक्की कभी नहीं रही हो। जैसा कि वे खेत स्क्वीलर के पास पहुँचे जो लड़ाई के दौरान बेहोश हो गए थे, उनकी ओर लहराते हुए आए, उनकी पूंछ को फुसफुसाते हुए और संतुष्टि के साथ मुस्कराते हुए, और जानवरों ने सुना खेत की इमारतों की दिशा से एक बंदूक की बढ़ती उछाल। वह बंदूक किस लिए फायर कर रही है? बॉक्सर ने कहा। हमारी जीत का जश्न मनाने के लिए, स्क्वीलर रोया। क्या जीत? बॉक्सर ने कहा। उसके घुटनों से खून बह रहा था, उसने एक जूता खो दिया था और उसके खुर को अलग कर दिया था, और एक दर्जन छर्रों ने अपने हिंद पैर में दर्ज किया था। क्या जीत कॉमरेड? क्या हमने दुश्मन को अपनी मिट्टी, पशु फार्म की पवित्र मिट्टी से नहीं भगाया? लेकिन उन्होंने पवन चक्की को नष्ट कर दिया है और हमने इस पर 2 साल काम किया है। क्या बात है, हम एक और पवन चक्की का निर्माण करेंगे। अगर हम ऐसा महसूस करते हैं तो हम 6 पवन चक्कियों का निर्माण करेंगे। आप सराहना नहीं करते हैं कॉमरेड, जो ताकतवर काम हमने किया है। दुश्मन इस बहुत जमीन पर कब्जा कर रहा था जिस पर हम खड़े थे, और अब - कॉमरेड नेपोलियन के नेतृत्व के लिए धन्यवाद - हमने इसके हर इंच को फिर से जीत लिया है, बॉक्सर ने कहा। फिर हमने जो जीता है उससे पहले जीत लिया था। यह हमारी जीत है, स्क्वीलर ने कहा। वे यार्ड में छिप गए। बॉक्सर के पैर की त्वचा के नीचे के छर्रों में दर्द हुआ। उसने अपने आगे की नींव से पवन चक्की के पुनर्निर्माण के भारी श्रम को देखा, और पहले से ही कल्पना में उसने खुद को इस कार्य के लिए तैयार कर लिया। लेकिन पहली बार उसके साथ ऐसा हुआ कि वह 11 साल का था और शायद उसकी महान मांसपेशियां वैसी नहीं थीं जैसी कभी थीं। लेकिन जब जानवरों ने हरे रंग के झंडे को उड़ते हुए देखा और बंदूक की फायरिंग फिर से सुनी, 7 बार यह सब में निकाल दिया गया था, और नेपोलियन द्वारा किए गए भाषण को उनके आचरण पर बधाई देते हुए सुना, तो ऐसा लगता है कि आखिरकार शानदार जीत हासिल की थी। लड़ाई में मारे गए जानवरों को एक गंभीर अंतिम संस्कार दिया गया था। बॉक्सर और क्लोवर ने वैगन को खींचा जो एक हॉर्स के रूप में कार्य करता था, और नेपोलियन खुद जलूस के सिर पर चलता था। पूरे 2 दिन उत्सव के लिए दिए गए थे। गाने, भाषण और बंदूक की अधिक फायरिंग थी, और प्रत्येक जानवर पर एक सिब का एक विशेष उपहार दिया गया था। प्रत्येक पक्षी के लिए 2 औंस मकई और प्रत्येक कुत्ते के लिए 3 बिस्कुट थे। यह घोषणा की गई थी कि लड़ाई को विंडमिल की लड़ाई कहा जाएगा, और नेपोलियन ने एक नई सजावट ऑर्डर ऑफ द ग्रीन बैनर बनाया था, जिसे उन्होंने खुद पर सम्मानित किया था। सामान्य आनंद में बैंक नोटों के दुर्भाग्यपूर्ण संबंध को भुला दिया गया। कुछ दिनों बाद यह था कि सुअर फार्म हाउस के तहखाने में विष के एक मामले में आया था।
उस समय इसे नजरअंदाज कर दिया गया था जब घर पर पहली बार कब्जा किया गया था। उस रात फार्म हाउस से जोर से गायन की आवाज आई, जिसमें सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। इंग्लैंड के जानवर के उपभेदों को मिलाया गया। मिस्टर जोन्स के एक पुराने गेंदबाज की टोपी पहने हुए करीब 9:30 बजे नेपोलियन को पीछे के दरवाजे से तेजी से निकलते हुए, यार्ड में तेजी से चक्कर लगाते हुए और फिर से घर से गायब होते देखा गया। लेकिन सुबह फार्म हाउस के ऊपर एक गहरी चुप्पी छा गई, नहीं एक सुअर सरगर्मी दिखाई दिया। लगभग 9 बजे का समय था जब स्क्वीलर ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। धीरे धीरे और बेतरतीब ढंग से चलते हुए उसकी आंखें सुस्त हो गईं, उसकी पूंछ उसके पीछे सीमित रूप से लटकी हुई थी और हर उपस्थिति के साथ गंभीर रूप से बीमार थी। उन्होंने जानवरों को एक साथ बुलाया और उन्हें बताया कि उनके पास समाचार प्रदान करने के लिए एक भयानक खबर है, कॉमरेड नेपोलियन मर रहा था। विलाप का एक रोना चढ़ गया। फार्म हाउस के दरवाजों के बाहर पुआल बिछा दिया गया था और जानवरों की नोक पर चला गया था। उनकी आंखों में आंसू के साथ उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि अगर उनके नेता को उनसे छीन लिया गया तो उन्हें क्या करना चाहिए। एक अफवाह चली कि स्नोबॉल ने नेपोलियन के भोजन में जहर मिलाने के लिए संघर्ष किया था। 11 बजे स्क्वीलर एक और घोषणा करने के लिए बाहर आया, पृथ्वी पर उनके अंतिम कार्य के रूप में। कॉमरेड नेपोलियन ने एक गंभीर फरमान सुनाया था, शराब पीने पर मौत की सजा दी जानी थी। शाम तक हालांकि नेपोलियन कुछ बेहतर दिखाई दिया और अगली सुबह स्क्वीलर उन्हें बताने में सक्षम था कि वह ठीक होने के रास्ते पर था। उस दिन की शाम तक नेपोलियन काम पर वापस आ गया था और अगले दिन यह पता चला कि उसने व्हिम्पर को विलिंगडन में कुछ पुस्तिकाएं शराब बनाने और आसवन पर खरीदने का निर्देश दिया था। एक हफ्ते बाद नेपोलियन ने आदेश दिया कि ऑर्चर्ड से परे छोटा पैडक, जिसे पहले जानवरों के लिए चराई के रूप में स्थापित करने का इरादा था, जो पिछले काम थे, यह दिया गया था कि चारागाह समाप्त हो गया था और उसे पुनः बोने की आवश्यकता थी। लेकिन जल्द ही यह ज्ञात हो गया कि नेपोलियन का इरादा जौ के साथ बोना था। इस समय के बारे में एक अजीब घटना हुई, जिसे शायद ही कोई समझ पाए। एक रात लगभग 12 बजे यार्ड में एक जोरदार दुर्घटना हुई और जानवर अपने स्टालों से बाहर निकल आए। चांदनी रात थी। बड़े खलिहान की अंतिम दीवार के तल पर, जहां 7 आज्ञाएं लिखी हुई थी, वहां 2 टुकड़ों में एक सीढ़ी टूटी हुई थी। स्क्वीलर अस्थायी रूप से स्तब्ध उसके बगल में फैला हुआ था और हाथ के पास एक लालटेन, एक पेंट ब्रश और सफेद पेंट का एक उल्टा पॉट था। कुत्तों ने तुरंत एक रिंग राउंड स्क्वीलर बनाया और जैसे ही वह चलने में सक्षम हुआ, उसे फार्म हाउस में वापस ले गए। जानवरों में से कोई भी इसका मतलब नहीं समझ सकता है कि इसका क्या मतलब है। पुराने बेंजामिन को छोड़कर, जिन्होंने अपने थूथन को एक ज्ञात हवा के साथ सिर हिलाया और समझने के लिए लग रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद म्यूरियल ने खुद को 7 आज्ञाओं को पढ़ते हुए देखा कि उनमें से एक और भी था जिसे जानवरों ने गलत याद किया था। उन्होंने सोचा था कि 5वीं आज्ञा थी, कोई भी जानवर शराब नहीं पिएगा। लेकिन 2 शब्द थे जो वे भूल गए थे। वास्तव में आज्ञा ने पढ़ा, कोई भी जानवर शराब नहीं पिएगा। अध्याय का अंत। धन्यवाद।